मुझे पूछना है। नमस्कार, हम इस वक्त नगांव में हैं, नगांव असम में, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे चल रही है। और आज हमने एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर हो रही अमर्यादा को देखा, झेला, भोगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है, वहां का जो भी पूजनीय स्थल है, जो भी सुंदर स्थल है, जो भी शोभनीय है, चाहे वो शहीदों का हो या किसी भी धर्म का हो, वहां होके नमन करके यात्रा आगे बढ़ती है। इस तरह से यहाँ नगांव से जब यात्रा आज निकल रही थी, तो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि यहाँ के श्रीमंत शंकर देव, जिनके बारे में मैंने माजुली द्वीप से भी आपको बताया था, श्रीमंत शंकर देव की असम में वही आस्था है, वही स्थान है जो हमारे इलाकों में नानक का है, कबीर का है, उस तरह का स्थान है। वो धर्म प्रवर्तक थे, समाज सुधारक थे, जाति तोड़क थे, विषमता के खिलाफ थे, और साथ में संगीतकार थे, गीतकार थे। उन्होंने थिएटर का नया फॉर्म शुरू किया, भाषा को बदला, क्या कुछ नहीं किया। तो उन शंकर देव की स्तुति में आज यहाँ उनका जन्म स्थान है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर, और हम सब ने पहले से यात्रा ने अपना रूट बनाया हुआ था, बाकायदा परमिशन ली हुई थी सुबह 8 बजे वहां करने की। लेकिन आप देखिए सत्ता के खेल, सुबह कल रात को हमें फतवा आया कि नहीं, आप यहाँ पे जा नहीं सकते। सरकार की तरफ से चिट्ठी आई, चिट्ठी में कहा गया कि चूंकि वहां एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, परमिशन देते वक्त कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, कहा गया कि चूंकि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में विघ्न पड़ सकता है, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुरूप वहां कुछ होना है, उसमें विघ्न पड़ सकता है, इसलिए अब आप 3 बजे के बाद आइएगा, उससे पहले नहीं आ सकते। मतलब जब देश में टीवी पे एक खास पूजा हो रही हो, उस वक्त किसी और आराध्य देवता की पूजा भी नहीं हो सकती, और इस देश के प्रधानमंत्री के अलावा किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए पूजा करते हुए, यही खेल रहा होगा। तो यात्रा में हम लोग सुबह यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे। ये जो पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले पुलिस से भरा हुआ था, चारों तरफ पुलिस थी, CRPF थी, ये बैरिकेड जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब बैरिकेड लगाए हुए थे, गाड़ियों से रोका हुआ था, और बताया कि आप यहाँ पे इस यात्रा में जा नहीं सकते, शंकर देव की स्तुति करने, उनकी अर्चना करने, उनको नमन करने जा नहीं सकते। काफी बातचीत हुई, यहाँ पे DC आए, ADC आए, उन सबसे हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा सकते, नहीं नहीं आदेश है, नहीं जा सकते। तो फिर कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भाई, यहाँ के स्थानीय MP हैं, सांसद हैं, गौरव गोगोई यहीं से सांसद हैं, कि ये नहीं जा सकते। अच्छा पूछ के बताते हैं, यहाँ का MLA नहीं जा सकता, पूछेंगे। BJP के सब लोग जा सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये नहीं जा सकते। फिर अंत में बहुत जद्दोजहद के बाद ये तय हुआ कि स्थानीय सांसद गौरव गोगोई को वहां तक जाने दिया जाएगा। यहाँ से जैसा मैंने बताया 16 किलोमीटर दूर है उनका उनका जन्म स्थल, जिसको यहाँ पे वैसे उन्होंने स्थापित किए थे कई तरह की संस्थाएं, वहां पे मंदिर पे वो गए, गौरव गोगोई को परमिशन दी गई वहां जाने की, और वहां गए, थल बोला जाता है उसको, तो थल पे गए, और जब वहां पहुंचे तो पता है क्या दिखाई दिया, कि वहां कोई समारोह था ही नहीं, कोई फंक्शन नहीं था, कोई क्राउड नहीं था, लॉर्ड ऑर्डर का सवाल ही नहीं होता। जाके उन्होंने पुजारियों से बात की, पुजारियों ने कहा कि हाँ हम तो इंतजार कर रहे थे उनके आने का। तो फिर पुजारियों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारा आशीर्वाद उनके लिए लेके जाइए। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने गमसा दिया, और इस बीच 1 घंटे तक हम सब लोग यहाँ बैठे रहे। महिलाओं ने शंकर देव के भजन, जो कि आसाम में बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, वो भजन महिलाओं ने गाए। यहाँ कांग्रेस सेवा दल वालों ने राम धुन गाई, राम के भजन गाए, गांधी जी के प्रिय भजन गाए, और वो तब गौरव गोगोई वापस आए, उन्होंने बताया, उन्होंने मंदिर से लाया हुआ गमछा जो है, शंकर देव थल का जो गमछा है, वो राहुल गांधी को दिया, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद यात्रा अब यहाँ से रवाना हुई है। जो सुबह का कार्यक्रम यात्रा का था वो तो सारा बिगड़ गया, लेकिन अंततः सड़क पे बैठ के गांधी जी से एक बार पूछा गया
कि आप आश्रम में राम का मंदिर क्यों नहीं बनाते। गांधी जी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो जो चार दिशाएं हैं ना, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण, ये राम के मंदिर की चार दीवारें हैं, और ये जो आकाश है ना, ये राम के मंदिर की सबसे सुंदर छत है। ये गांधी जी ने कहा था। तो आज हमने उसी तरह से उस मंदिर में जिसकी दीवार उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम है और जिसकी छत आकाश है, उस मंदिर में रह के हमने याद किया और उसके बाद यात्रा चली। लेकिन एक दुख लेके कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर इतनी अमर्यादा, झूठ बोलता है सरकार। पहले परमिशन दी, कल झूठ बोला कि यहाँ पे कोई आयोजन है और सब जा सकते हैं, राहुल गांधी नहीं जा सकते। अब आप सोचिए क्या इसका लॉजिक होगा। राहुल गांधी आज मंदिर में नहीं जा सकते। हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता की सबसे सुंदर चीजों में से जो एक रही है वो ये कि यहाँ सत्ता से ऊपर धर्म, धर्म गुरु नहीं, धर्म, धर्म की मर्यादा सबसे ऊंची है, सत्ता उससे नीचे है। और यहाँ धर्म से मतलब कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं है, धर्म जो धारण किए योग्य हो, जो उचित है, जो अच्छा, धर्म ऊंचा है, सत्ता नीची है। लेकिन आज यहाँ नगांव में हमने जो देखा वो एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला प्रयास कि सत्ता जो है वो ऊंची, सत्ता तय करेगी कि धर्म क्या है, सत्ता तय करेगी कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, पूजा कौन कर सकता है, क्या हम एक ऐसा देश चाहते हैं जिसके अंदर कौन कहां किसकी पूजा कब करे ये फैसला सत्ता करे। एक और बात हुई, यहां आप देख रहे होंगे कई घरों पे राम प्राण प्रतिष्ठा की पताकाएं लगाई गई हैं, और मजे की बात यह है कि इन सब घर वालों ने यहां से हाथ हिलाए, इन घरों से बच्चे नीचे आए, राहुल गांधी के पास बैठे, उनके पास बात की और सब जुड़े जैसे इस देश के अंदर सामान्यतः जुड़ते हैं। तो उस धर्म को याद करते हुए जो सत्ता से ऊपर है, किसी मजहब से ऊपर है, किसी गुरु, किसी प्रतिष्ठान, किसी मंदिर, किसी व्यक्ति से ऊंचा, उस धर्म को याद करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। न्याय की यात्रा जारी रहेगी और शंकर देव को नमन करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे।